यूज किया जाते हैं ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? कार में यूज कर सकते हैं, बस में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए ऑटोमोबाइल्स में हम कैटलिटिक कन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉस्टली मेटल यूज होती है जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रेडियम, ये यूज होती है इसमें। कैटलिटिक कन्वर्टर जो है उस तरीके से इसको रिमूव कर देता है, क्योंकि इसमें इसकी हाईली कॉस्टली मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो वो डर्ट ईयर को क्लीन ईयर में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली में ये कैसे काम करता है, ये जो ज़्यादा मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कन्वर्जन ऑफ मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब गैसेस के लिए मेनली होता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं मेनली गैसेस हैं या फिर कुछ और चीज़ें, उनको लेस टॉक्सिक गैस में ही कन्वर्ट करेगा। मतलब कोई भी चीज़ हो लास्ट उसको गैसेस फॉर्म में ही ला के कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, नंबर वन हाइड्रोकार्बन जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स को ये कन्वर्ट कर देता है कैटलिटिक कन्वर्टर। लेस टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेस टॉक्सिक है, कम पॉइजनस। हाइड्रोकार्बन ज्यादा हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कंपैरिजन में कम हार्मफुल है। हार्मफुल तो है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो पोल्यूशन होगा, लेकिन ये ज्यादा पॉइजनस है। और किसको कर देती है, दूसरा नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ज्यादा पॉइजनस है। हमें पता है हमारे लंग्स ऐसे अडेप्टेड है कि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन हो, CO2 हो, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो हमारे लंग्स जो है 40 से 200 टाइम्स तक CO को इनहेल करने लग जाएंगे बजाय ऑक्सीजन के। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमारे लंग्स की एफिनिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हाईली पॉइजनस है, टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू CO2 में। और CO2 जो है वो लेस टॉक्सिक है कंपेयर्ड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी काम करता है कैटलिटिक कन्वर्टर। तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड हाईली पॉइजनस है, टॉक्सिक है, इसको भी कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो बदल देता है लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस को बदल जाता है। तो हमने क्या देखा कि कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो मेनली ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। आप समझे ना कहाँ यूज होते हैं, तो कार में, बस में, व्हीकल्स में करते क्या है, ये मेनली गैसेस पॉल्यूशन जो बढ़ा होता है उसको कम करने के लिए यूज होते हैं। इनमें काफ़ी कॉस्टली मेटल्स यूज होती है जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम। और दूसरी बात ये कि ये करते क्या है, जो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको हटा तो नहीं पाएंगे लेकिन उनको लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन्स को ये कैटलिटिक कन्वर्टर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो ज़्यादा पॉइजनस से लेस पॉइजनस हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली पॉइजनस है हमारे लिए उसको कैटलिटिक कन्वर्टर CO2 में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो बदल देता है जो कि पॉइजनस कम है। और नाइट्रिक ऑक्साइड को जो कि काफ़ी पॉइजनस है उसे कैटलिटिक